वेस्टइंडीज खिडारी ज्वेन थॉमस से 5 साल की लगाई पाबंदी। भ्रष्टाचार विरोधी कोर्ट के तहत लगी 5 साल की पाबंदी। आईसीसी ने भ्रष्टाचार विरोधी कोर्टा दी सख्त गिनतियां की उलंघना करने की कार्रवाई। भुवनेश्वर कुमार ने आरआर के खिलाफ की शानदार गेंदबाजी। कहा मेरा ध्यान जोड़ा है सिर्फ प्रक्रिया से। भुवनेश्वर कुमार ने 41 दौड़ा देकर 3 विकेटा लिया। राजस्थान रॉयल्स कप्तान संजू सैमसन ने मुकाबले दे एसआरएच गेंदबाजों की की शलाघा। कहा सनराइजर्स हैदराबाद गेंदबाज आखिरी ओवर तक स्कोरिंग रेट में 10 दौड़ा प्रति ओवर के रखने रहे कामयाब। पंजाब किंग्स के बल्लेबाज रिली रोशू के गेंदबाज हरप्रीत बराड़ से राहुल चाहर की की तारीफ। कहा आईपीएल 2024 के चेन्नई सुपर किंग्स विरुद्ध प्रदर्शन असाधारण। अफ्रीकी सबका क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने बल्लेबाज विराट कोहली की की तारीफ। कहा विराट क्रिकेट खेलने वाले सब तो वधिया खिडारियों के एक हैं। दस दिए कि वर्तमान कोहली आईपीएल 2024 दूजे सब तो वध दौड़ा बनाने वाले बल्लेबाजों के एक। आगामी टी20 विश्व कप 2024 के लिए ऑस्ट्रेलिया दल वालों अपनी टीम का ऐलान। कप्तान मिशेल मार्श ने कहा कि उन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट के लिए मिली सही 15 मेंबरी टीम। हॉकी इंडिया ने 24 मेंबरी महिला टीम का किया ऐलान। दस दिए कि यह टीम एफआईएच हॉकी प्रो लीग 2023-24 के लिए चुनी गई है। एफआईएच प्रो लीग 2023-24 के आगामी बेल्जियम से इंग्लैंड खेड़ा के लवेगी हिस्सा। राष्ट्र महिला हॉकी लीग 2024-25 का पहला पड़ा रांची के होगा शुरू, जिस प्रतिभा की टीम वर्ग के प्रदर्शन का किया वादा, क्योंकि भारत दिया चोटी दिया राज टीम झारखंड के रांची एडिशन हो गया इकट्ठिया। सबका श्रीलंका क्रिकेट कुमार संगकारा ने भारतीय टीम की की शलाघा। दस दई है कि क्रिकेट संगकारा ने आगामी टी20 विश्व कप 2024 के लिए भारत की 15 मेंबरी टीम की की शलाघा। गलबात करता उन्होंने भारत टीम को भी एक मजबूत टीम कहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाक नू चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए भारत के मैचों के लिए सिर्फ लाहौर नू किया शॉर्टलिस्ट। ईएसपीएन अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 हफ्तों की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए 3 स्थानों चुनिया।